नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो सैंडी यूट्यूबर चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं TPA 3116 D2 एम्पलीफायर बोर्ड का यहाँ पर एक एम्पलीफायर बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को पहले इसका अनबॉक्सिंग दिखाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका सब कुछ कनेक्शन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये 12 वोल्ट का कनेक्शन है, मैं इसको 12 वोल्ट से चला रहा हूँ दोस्तों। आप लोग इसको दोस्तों 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक चला सकते हो, पावर सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा माइनस कैपेसिटर का, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया है दोस्तों, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, पावर सप्लाई का। और ये एक चैनल का स्पीकर आउटपुट है, ये एक चैनल का है, और ये दोस्तों हमारा इनपुट है, राइट, लेफ्ट और ग्राउंड, ठीक है। तो हमारा स्पीकर आउटपुट जा रहा है स्पीकर आउटपुट सॉकेट पर। यहाँ पर दोस्तों जो इनपुट है बोर्ड का, तो मैंने यहाँ पर ये जो छोटा वाला MP3 मॉड्यूल होता है इससे आउटपुट लगाया है मैंने, ठीक है, मतलब इससे मैं इनपुट दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चैनल को मैं दोनों साइड से डिवाइडेड कर दिया हूँ दो पोटेंशियोमीटर लगाकर, ठीक है। मतलब इसका राइट जा रहा है यहाँ पर और ये बोर्ड पर जा रहा है, ठीक है, एक, और इसका लेफ्ट जा रहा है यहाँ पर और इसका एक मिडिल पॉइंट से बोर्ड पर जा रहा है लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट चैनल, ये हमारा राइट चैनल का दोनों वॉल्यूम हो गया है दोस्तों, ठीक है। ये इसमें से हम लोग राइट चैनल को कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम को, और इससे हम लोग लेफ्ट चैनल का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक 4558 IC से एक बेस फिल्टर बना लिया है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि कैसे बनाना है, 12 वोल्ट से चलता है ये। तो इसको मैंने एक चैनल पर दे दिया है दोस्तों, मतलब एक चैनल का इनपुट डायरेक्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है और इसका आउटपुट पोटेंशियोमीटर होके यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा एक चैनल से बेस निकलेगा सिर्फ, और एक चैनल से बेस और ट्रेवल निकलेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये 50+50 वाट आउटपुट देता है, अगर आप लोग इसको 24 वोल्ट से चलाते हो दोस्तों तो ये आप लोगों को 50+50 100 वाट का आउटपुट दे देगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लोग 18 वोल्ट पर चलाते हो इसको, तो आप लोग इसको दोस्तों टोटल 35-35 70 वाट ले सकते हो आउटपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट से चला रहा हूँ, ठीक है। 12 वोल्ट से आप लोगों को 60 वाट का आउटपुट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, 30-30 करके 60 वाट, मतलब यहाँ पर हमारा 30 वाट का बेस होगा और 30 वाट का बेस ट्रेबल होगा, ठीक है, दोनों चैनल में 30-30 60 वाट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पर तो कनेक्शन कर लिया हूँ मैंने, तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ MDF का टुकड़ा ले लिया हूँ, यहाँ पर काटिंग भी कर लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ैन बैठेगा, यहाँ पर स्पीकर सॉकेट, यहाँ पर DC सॉकेट, और यहाँ पर दोस्तों सब कुछ बैठेगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इसको दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं वोल्टमीटर भी लगाऊंगा दोस्तों 5 LED का। तो यहाँ पर हमें ये सब लगेगा दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़, ये कैपेसिटर मैं जोड़ूंगा, यहाँ पर 330 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, 4148 डायोड लगेगा, ये दोस्तों वोल्टमीटर बनाने के लिए लगेगा, IN4007 डायोड लगेगा, LED लगेगा, और ये दो कैपेसिटर लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर बनाने के लिए लगेगा दोस्तों। और ये जो 4700 25 वोल्ट का कैपेसिटर एक्स्ट्रा मैंने लिया है, इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर जोड़ दूंगा दोस्तों, मतलब यहाँ पर दो कैपेसिटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं कुछ करता हूँ, मतलब इसको सेट करता हूँ, यहाँ पर सेट करता हूँ। पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लिया है, यहाँ पर जो फ्रंट पैनल है इसको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्लू गन से चिपका दिया हूँ दोस्तों, पोटेंशियोमीटर को नट से टाइट कर दिया हूँ, नॉब लगा दिया हूँ, और यहाँ पर दोस्तों काटिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये IR सेंसर है, और ये दोस्तों USB है, USB इनपुट है, ये स्विच है, ये एक पावर का LED है, और ये दोस्तों वोल्टमीटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर बोर्ड को डबल टेप के द्वारा चिपका दिया हूँ, और इन सभी को ग्लू गन से चिपका दिया हूँ दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर का इनपुट है दोस्तों, इसको हम लोग स्पीकर सॉकेट में लगाएंगे, और स्पीकर सॉकेट को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो DC सॉकेट आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर फैन को दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पर DC सॉकेट से कनेक्शन कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर कनेक्शन करके यहाँ पर फैन को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाऊंगा मैं, ठीक है, करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली ये हमारा जो एम्पलीफायर है ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने सब कुछ कर दिया है,
ठीक है, ये यूएसबी डिस्प्ले, एलईडी। और दोस्तों ये जो वो मीटर मैंने बनाया था, इसका जो वो मीटर जब मैं लगा रहा हूँ दोस्तों स्पीकर पर, तब ये साउंड अच्छा नहीं दे रहा है दोस्तों, साउंड कट जा रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, इसको सिर्फ मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट से जोड़ दिया हो, ठीक है, ताकि ये काम करे, मतलब जलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये वो मीटर नहीं काम कर रहा है इस एम्पलीफायर से, क्लास डी एम्पलीफायर से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से ये एक ऊफर का वायर जा रहा है और ये स्पीकर का वायर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं डीसी सॉकेट लगा दिया हूँ मैंने, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा दिया ये स्पीकर वाला पॉइंट है, ये ऊफर वाला पॉइंट है, और ये फैन है दोस्तों, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको किया है, और इस साइड पर दोस्तों मैंने ब्लैक टेप लगा दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए इसको ऑन करके मैं आप लोगों को गाना सुनाता हूँ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। दोस्तों चलिए अभी इसको, ये जो कार्ड रीडर है हमारा, इसे चला कर देखते हैं ये कैसा चलता है दोस्तों। Play by USB drive. ये कार्ड रीडर से भी चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा चलने लगा है, ठीक है, एक उफर और एक स्पीकर। अगर मैं स्पीकर का साउंड ऑफ कर देता हूँ तो ये हमारा उफर, तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ अच्छा चीज दिखाने की कोशिश बनाऊंगा दोस्तों। दोस्तों इसका जो बेस है ये काफी अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा, और देखते रहिएगा मेरा ये चैनल सैंडी यूट्यूबर दोस्तों। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ठीक है।
टाटा।